गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारा ये सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 अजंता, और जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण शरण उपाध्याय जी का जन्म जो है बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनका जन्म तारीख है सन 1910 और इनकी मृत्यु तारीख है 1982, और इनका निधन जो है मृत्यु स्थान है मॉरिशस। मॉरिशस में वो जब भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे, तब उनका अंतिम समय वहां पे बीता। साहित्यकार के रूप में देश विदेश के अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से इनका संबंध रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है भारतीय मनीष के रूप में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, और उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का भी संपादन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय संस्कृति के शोक, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो प्रसिद्ध रचना प्रवास से संबंधित है। जब लेखक जो है अजंता के जो है प्रवास में था, तो उन्होंने वहां का इसमें वर्णन किया है। प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। सुविख्यात मतलब सु का मतलब होता है अच्छा, यानी अच्छे से प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणा में, करुणा मतलब दया, करुणा में भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला से ओतप्रोत है, यानी भरी हुई, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ उत्कृष्ट जानकारी मिली, जैसे वेदों के और उपनिषदों के सब इस
प्राचीन लोग थे उन्होंने उसको लिखा और उसको संभाल के, जैसे ताम्रपत्र होता है और उस पर कांस्य पत्र होता है उस पर लिखा, ताड़पत्र होता है, तो इन सब पर जो है उसको अक्षरों को खोदा गया, यानी अक्षरों की मोती बिखेरी उस पर जो है उन्होंने लिखा। और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई। और जो प्राचीन जो है हमारे जो लोग थे उन्होंने उसके बारे में जो जानकारी है धीरे 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 करके अब जो अब की पीढ़ियों के हैं उनके तक पहुंचाई। सरकती आना मतलब वो तब वहां से चली आ रही है, अभी भी आ रही है, जो आज हमारी अमानत और विरासत बन गई है। विरासत क्या होती है? जो हमें प्राचीन लोगों से पूर्वजों से हमें मिलती है उसको विरासत कहते हैं। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है, मतलब जो है पत्थर को काट किस तरह से काट के उसको वो किया है, ये भी उपाय जो हमें उसमें से ही प्राचीन ज्ञान से ही मिला है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं। जितने भी प्राचीन सभ्य यानी चंडल जितने भी अच्छे देश हैं, सभ्य देश हैं, सांस्कृतिक देश हैं, उसमें जो है पहाड़ को काट कर क्या किया गया है, मंदिर बनाए गए हैं। और उन्हीं दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र, अभिराम यानी सुंदर, उसकी जो है वहां पे कहानी लिखी गई है। कलावंत
शैली से मूर्तें भारतीय कोरते गए हैं। कलावंत मतलब जो कलाकार है, जो मूर्तिकार है, जो मूर्तियां बनाता है। छेनी जो है लोहे की एक प्रकार की जो है औजार होता है, जिससे जो है मूर्तियों का निर्माण होता है। तो उस छेनी से जो उन्होंने उन पत्थरों को काटकर मूर्तियां बनाई, जैसे वैसे ही अजंता को कुदरत का लू बरस पड़ा है। कुदरत मतलब ईश्वर जो है, भगवान का, ईश्वर का नूर यानी जो है यहाँ पर रोशनी या चमक कह सकते हैं। प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। थिरकना मतलब नाचना, यहाँ पे मुहावरा है थिरक उठना या थिरकना नाचना। मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच, मुंबई जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, मुंबई और हैदराबाद के बीच में विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से नीच औंधे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाथ करते हैं। सनाथ मतलब तो वहां पर जुड़ा हुआ। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पैर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाथू नदी कमान सी मुड़ गई है। कमान मतलब धनुष की तरह। अजंता जो गांव है वहां पर थोड़ी सी दूर पर पहाड़ी है, उस पहाड़ के जो है पैरों के नीचे मतलब पहाड़ के पिछले स्तर पर जो है सांप की तरह है बाथू नदी। आपको यहाँ पे विशेषण बताया है नदी किस तरह की है, सांप की तरह है। और वो उसकी जो मुड़ाव है, उसका जो मुड़ना है वो किस तरह का है, वो कमान की तरह है, धनुष की तरह है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्ध चंद्राकार हो गया है। और जो पर्वत का जो वो है आकार, वो किस तरह का हो गया है, वो अर्ध चंद्राकार यानी आधे चांद की तरह हो गया है। और कैसा हुआ अर्ध चंद्राकार, कैसा है उठा हुआ अर्ध उदर चंद्राकार। कोई 250 फुट ऊंचा यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, 250 फुट। हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया है। भाना यानी पसंद आना, पुरखों यानी पूर्वज, उन्होंने उसे खोदकर भवनों और महलों से भर दिया है। जो पहाड़ थे वो पूर्वजों को पसंद आया, उन्होंने वहां पे क्या बनाया, वहां पे उसको खोदकर भवन और महल तैयार किए। सोचिए जरा ठोस पहाड़ की चट्टानी, छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया तो पर्वत का हिया दरकता चला गया। यानी जो पहाड़ थे कैसे थे, ठोस थे, कठोर थे, और इंसान कैसा है, इंसान कमजोर है। लेकिन इन दोनों का जब मेल हुआ तो वो कैसा हो गया, वो जो पर्वत जो है उसका हिया, हिया यानी हृदय, हिया का मतलब क्या है यहाँ पे, हृदय। हृदय कैसा हो गया, दरकता चला गया मतलब टूटता चला गया। और वहां से एक बरामदे हाल और मंदिर बनते चले गए। और जब वो पहाड़ टूटता गया तो वहां पर क्या बन गया, हाल और मंदिर बनते गए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसे सुंदर भवन बना दिए गए। यानी सबसे पहले क्या किया गया, उस पहाड़ को काटा गया, उसको खोखला कर दिया गया, अंदर से उसको खाली कर दिया गया।
सुंदर से भवन बनाए गए, जहां पर खंभों पर भारी मुकुटे विहस उठी, यानी जो खंभे बने, पिलर बने, खंभे यानी पिलर, उस पिलर पर जो है मूर्तियां उभारी गई थी, मूर्तियों की जो है नकाशी की गई। और वो मूर्तियां कैसी थी? विहस उठी, मतलब वो मूर्तियां दिखने में जानदार हंसने जैसी हो गई। भीतर की समूची दीवारें, समूची मतलब संपूर्ण पूरी, और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई, और दीवारों को और छत को क्या किया गया, उसको रगड़ कर यानी घिस कर उसको चिकना कर दिया गया, स्मूथ कर दिया गया। और तब उनकी जमीन पर चित्रों की ये दुनिया बसा दी गई। जब उसको चिकना कर दिया गया दीवार को, फिर वहां पर चित्र जो है चित्र का निर्माण कर दिया गया। चित्र कैसा लग रहा था? जैसे बहुत सारे उसमें चित्र बनाया था, वो चित्रों की दुनिया जैसी लगने लगी। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। काया में शरीर, सिरज भी मतलब निर्माण कर दिया, वहां पे चित्रों का जो है निर्माण कर दिया। कहने का मतलब है उस पर सबसे पहले क्या किया, दीवारों को चिन्ह किया, वहां पर पलस्तर किया, पलस्तर करने के बाद उस पर लहराती हुई रेखाओं की चित्र बनाए गए। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्रारंभ दिया। फिर जो उनके जो चेले, चेले यानी शिष्य, जो शिष्य थे, उन्होंने उसमें क्या किया, आचार्य ने उसमें जो है रेखा चित्र बनाया। रेखा चित्र मतलब जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं उस तरह से। फिर उसके बाद में जो उनके जो शिष्य थे, उन्होंने क्या किया, उसमें रंग भर दिया, और प्राण टूटने मतलब उसने जान डाल दी। फिर तो दीवारें उमंग उठी, पहाड़ जो पहाड़ थे पुलकित होते, पुलकित मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, यहाँ पे मुहावरे हैं। प्राण टूटना, पुलकित होना, ये सब क्या है, मुहावरे हैं। नमस्कार।